धीरे धीरे बुलेट का भी अपग्रेडेड मॉडल्स आने लगे, लाइक उसका उन्होंने गियर शिफ्ट चेंज किया, आइडल सेल्फ स्टार्ट डाल दिए, वेट को भी उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया। तो और जब मैंने डिसाइड किया कि बुलेट लेना है, तभी भी मैंने वापस अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे अब बुलेट लेना है, पल्सर नहीं लेना है। तो अगेन माय पेरेंट्स आस्क्ड मी अबाउट द प्राइस, तो मैंने बोला ये थोड़ा सा महंगा है, इट इज़ लाइक 1,15,000 और समथिंग। और उस टाइम में थोड़ा सा डिमांड बढ़ रहा था, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था, और क्योंकि उसका वेटिंग पीरियड था 6 to 12 months लाइक दैट, तो मैंने बोला कि मुझे बुलेट चाहिए कर गया। तो अगेन लाइक माय पेरेंट्स वाज नॉट रेडी टू बाई मी अ बाइक। ऑब्वियसली उनका भी कंसर्न मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हर पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि अपने बच्चे को बाइक लेके देगा तो वो स्पीडिंग करेगा, कुछ हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स अ फेयर कंसर्न, ब्लेम नहीं कर सकते उनको। उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब, नहीं मतलब ट्रेनिंग, मतलब मच्छर नेवी का ट्रेनिंग किया मैंने। ट्रेनिंग के बाद मैं जॉब ढूंढने लगा और शिपिंग इंडस्ट्री में, बट मेरे को शिपिंग मतलब एज अ फ्रेशर कोई जॉब भी नहीं ले दे रहा था। तो जैसे ट्राई करते करते मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक जॉब ऑफर मिला, बट उसमें सैलरी कम था मेरा, तो बट वो और वो सैलरी में मैं एक बुलेट नहीं खरीद सकता था। ऑब्वियसली 6 months का कॉन्ट्रैक्ट था और सिर्फ 6,000 सैलरी था, तो ऑब्वियसली इट वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर मी। अगर मैं ले भी लेता डाउन पेमेंट से, तो भी जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं पे नहीं कर पाता, मैंने नहीं ले पाया लिया। ऐसे एक दो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मारे मैंने, लेकिन अगेन आई वॉज इन शॉर्टेज ऑफ मनी, तो मैं ले नहीं पाया। बट मेरा जो क्रेविंग था बुलेट लेने का, वो जैसे जैसे एक एक साल निकलते गया वैसे वैसे बढ़ते जा रहा था कि यार लेना है लेना है लेना है। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग भी एक बाइक लेने लग गए, तो इट वॉज लाइक मतलब वो डेस्परेट होने लग गया मैं कि यार अभी तो मुझे भी बाइक लेना है, लेकिन कैसे लूँ मुझे नहीं पता। मतलब मैं पेरेंट्स से भी मांग मांग के थक गया था, मतलब पेरेंट्स तो लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद एक बार मैंने ऐसा सोच लिया कि अभी बस बहुत हो गया यार, बहुत मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से मांग लिया, अब अगर मैं लूँगा तो अपने दम पे लूँगा। तो एंड आई डिसाइडेड टू सर्च फॉर द जॉब, बिकॉज एक साल मैं जॉबलेस था और कुछ मतलब इधर भी जॉब नहीं मिल रहा था, ना ही शिपिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल रहा था, ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब मिल रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत था, तो मैंने एक काम किया, मैंने किया कि मेरे मोबाइल में जो वॉलपेपर है उसको मैंने बुलेट का वॉलपेपर डाला, ताकि अगर जब भी मैं मोबाइल खोलूँ तो मुझे बुलेट का ही फ़ोटो दिखे और मेरे दिमाग में हमेशा बुलेट के बारे में ही चलता रहे। और इसी बीच में मैं बहुत बार बुलेट के शोरूम में भी गया, शोरूम में जाके उसका प्राइस पता किया, वेटिंग पीरियड पता किया, एंड एट दैट टाइम दी वेटिंग पीरियड फॉर द बाइक वॉज ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड, लाइक इट वॉज फॉर 3 to 6 months ऐसा रिड्यूस हो गया था, बट रेट थोड़ा सा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ रोड क्रैच वगैरह वगैरह। और बट स्टिल और ऐसा भी था कि मुझे ये भी इच्छा था कि ये बुलेट भी एक बार मेरे को चला के देखना, क्योंकि उस टाइम तक तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे बस चलाए थे, लेकिन सिर्फ बुलेट अब तक चलाया नहीं था। तो मुझे ऐसा भी था कि बुलेट भी एक बार चलाना है, एक बार एक्सपीरियंस करना है। और जब बुलेट लेने का डिसीजन लिया था, तो मैं अपने आप को विजुलाइज भी करने लगा था कि मुझे बुलेट कैसे लगेगी, बुलेट मुझे सूट करेगी या नहीं, मतलब मैं उसका वेट मैनेज कर पाऊंगा या नहीं, ये सब मेरे दिमाग में चलता था। फिर एक दिन क्या हो गया, मेरा एक दोस्त आया, मतलब बचपन का दोस्त था, एक ही बिल्डिंग में रहते थे हम लोग। वो बंदा शिफ्ट होके नाहूर में चला गया, तो एक दिन वो मिलने आया था सब लोग से, तो मेरे को फ़ोन किया और मेरे को बोला तू नीचे आ जा, मैं आ रहा हूँ तेरे इधर। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। और उस टाइम में मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ
कि मेरा दोस्त आज बुलेट लेके आना चाहिए मुझे. एंड क्या बताओ यार, मैं जब नीचे आया और देखा और सच में यार वो बुलेट ही लेके आया था. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी बुलेट. मुझे ऐसा मतलब मेरा बोलता है ना जो ख्वाहिश था वो एक एक करके ऐसा पूरा होते जा रहा था कि लाइक बुलेट चलाने का इच्छा था. तो वो अभी एक दोस्त लेके आया तो उसके थ्रू अभी वो ख्वाहिश पूरा होगा. तो बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत खुश हुआ. मेरे दोस्त को मैं बोला कि अरे यार तू साल एक ही एक दोस्त है यार, तू तो मन की बात पढ़ लिया बोल के मैं उसको बहुत बोलने लगा. बोला आज मैं कब से मैं सोच ही रहा था कि तू बुलेट लेके आया करके और तू बुलेट ही लेके आ गया. चल भाई मेरे को टेस्ट राइड करने का बोल के मैंने लिया उससे और टेस्ट राइड किया मैंने. और इट वॉज लाइक यार क्या बोलूँ, मतलब जो फीलिंग था बुलेट चलाने के टाइम, वो भी फर्स्ट टाइम बुलेट चला रहा हूँ, वो जो फीलिंग था वो यार ऑसम था. मतलब उसका जो क्रेविंग मेरे अंदर था वो और बढ़ गया. मैं बोला यार अब तो बाइक लेना ही है कुछ भी करके. और बाद में बहुत और मैंने शोरूम्स में भी बहुत बार जाके टेस्ट ड्राइव्स लेते थे. तो फिर एक बार जॉब हंटिंग शुरू था मेरा इसी बीच में. तो एक बार मुझे जॉब का ऑफर आया कि लाइक वैकेंसी है हमारे पास और $600 सैलरी है. तो जब मैंने सुना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हुआ. मतलब $600 बोलेगा, मैंने कैलकुलेट किया इंडियन रुपीज में तो 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे पास सेविंग्स हो रहा था 1,80,000 समथिंग. तो मैं ऐसा हूँ माइवस लाइक हाँ यार ये इसमें तो मैं बुलेट ले पाऊँगा. तो देन आई एक्सेप्टेड दी ऑफर. और बिफोर मैं जाने से पहले शिप को ज्वाइन करने से पहले मैं यहाँ से मेरे पेरेंट्स से मैंने 5,000 रुपीज़ लिए बुलेट बुक करने के लिए. जाने से पहले मुझे बुक करके जाना था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आने के बाद मैं बाइक के लिए वेट करूँ. क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं जैसे ही घर पे आऊँ और तुरंत मेरे हाथ में बाइक आ जाए और मैं चलाना स्टार्ट करूँ. और फिर मैंने बाइक बुक किया और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है प्रोसीजर्स है सब पूछ के लिया उससे. और इसी बीच में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जितने भी बार मैं शोरूम में गया, मतलब मेरे दोस्त ने बाइक लेके और जिधर भी मतलब कहीं भी और भी कोई भी ट्रिप्स पे जाता था और मुझे बुलेट दिखता था तो मेरे पास काफ़ी मौका मिलता था फ़ोटोज़ लेने के लिए. उस पर बैठूँ और फ़ोटो लूँ या सिर्फ बुलेट का फ़ोटो लूँ, ये सब मौका मुझे बहुत बार मिले थे. लेकिन मैंने कभी फ़ोटो नहीं लिया क्योंकि इसे आप एक काइंड ऑफ ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं. क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि जब तक मैं अपना खुद का बुलेट नहीं लूँगा तब तक मैं फ़ोटो नहीं लूँगा, बुलेट के ऊपर बैठ के या बुलेट का फ़ोटो नहीं लूँगा, ऐसा मैंने सोचा था और ऐसे ही किया मैंने. एंड देन आफ्टर ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं शिफ्ट में था तो हमेशा जब भी मोबाइल खोल के देखता था तो यही सोचता था यार कब मैं घर पहुँचूँ और मेरा बाइक मैं ले लूँ और स्टार्ट करूँ. बहुत बार तो शिप पे मुझे बुलेट के भी सपने आते थे और वो भी बहुत अजीब सपने आते थे. कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बुलेट चला रहा हूँ और स्टीप आया है और लेकिन बुलेट चढ़ नहीं रहा है तो मैं भी ऐसे सोचता था यार ये क्या है, कैसा सपना है. तो एंड लाइक उसके बाद ऐसे ऐसे सपने आते थे मुझे क्योंकि हमेशा दिमाग में यही चलता रहता था बुलेट बुलेट बुलेट, कब लूँगा कब घर आऊँगा. उसके बाद जब मेरे 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए, मैं घर आया, एक्साइटमेंट था बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उस टाइम पे क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया था और रिटर्न आ रहा था. और दूसरा एक्साइटमेंट ये था कि बुलेट आने वाला है हाथ में. तो जब घर पे पहुंचा मैं उसके सेकेंड डे को मैं घर शोरूम गया, बुलेट के शोरूम में गया डोंबिवली में. जो मेरा बाकी पेमेंट का प्रोसीजर्स था वो सब कंप्लीट किया. और उसके नेक्स्ट डे बाइक की डिलीवरी थी. नेक्स्ट डे फिर मैं गया शोरूम में और मेरा बाइक का डिलीवरी लेने के लिए. एंड
वो पहला ऐसा टाइम था कि बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट फील हो रहा था मुझे कि मैंने खुद के पैसों से मैंने बाइक लिया अपने लिए, और बहुत ज़्यादा खुशी का मतलब ये था, एटमॉस्फेयर था, खुशी की हाइट नहीं थी मेरे अंदर। और जब मैं पहले भी बाइक जब मांगता था, मतलब बाइक लेने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था, तो मेरा भाई मेरे को बोलता था कि तू अगर हम लोग तेरे लिए बाइक लेके देंगे, मतलब लेके देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू उस चीज़ की कदर नहीं करेगा, तू उस चीज़ को संभालेगा नहीं अच्छे से। लेकिन वही चीज़ अगर तू अपने पैसे से खरीदेगा ना, तो तू उसका वैल्यू करेगा और तू उसको ज़्यादा संभालेगा, मतलब उसको अपने बच्चे की तरह संभालेगा तू। उस टाइम में जब ये मैं सुनता था, तो मैं ऐसा सोचता था क्या यार भाई पका रहा है, पकाने के लिए इसको ऐसे फिलोसफी मारता रहता है। बट ट्रस्ट में जब मेरा ये डिलीवरी बाइक का डिलीवरी लेने के लिए मैं गया था, और जब मैं बाइक लिया, डिलीवरी लिया बाइक का, बाइक में जब बैठा, तब जो प्राउड फीलिंग था और जो भाई की जो कहने मतलब जो बोली गई बातें थी वो सब दिमाग में आई, और तब मुझे ऐसा लगा कि यार सही है, मैं भाई मतलब मेरा भाई सही बोलता था कि यार हम कोई भी चीज़ हो वो अगर हम खुद के मेहनत के पैसे से खरीदेंगे तो उसकी हमें ज़्यादा कदर होती है, और उसी चीज़ को हम अच्छे से संभालेंगे, लाइक अपने बच्चे की तरह उसे संभालेंगे अपने। तो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में तभी आया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, और वो पहला मोमेंट था जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बुलेट में बैठ के फोटोज़ निकाले। सच में बहुत खुशी वाली बात थी जो बुलेट मैंने लिया था, बहुत खुशी की बात थी, बहुत खुश था मैं। और उसी शाम को मैंने अपने दोस्तों को पार्टी भी दी थी बाइक लेने के। और तो ये थी मतलब इन शॉर्ट मेरी जो फर्स्ट बाइक लेने की जो कहानी थी ये है। तो इसमें एक छोटा सा मैसेज भी मैं देना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को। ऐसा है लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने बार मैंने अपने पेरेंट्स से बाइक लेने के लिए बोला, मेरे पेरेंट्स ने कभी मतलब वो कभी नहीं चाहते थे कि मुझे बाइक लेके दे, बिकॉज ऑफ देयर कंसर्न, जो बच्चे को बच्चे की जो फिकर वाले जो कंसर्न रहती है वो था उन्हें। लेकिन फिर भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं यार अभी बाइक लेके दे नहीं रहा है तो मेरे पास भी कोई सोर्स नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ ये सपना, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उस होप को पकड़ के रखा कि मुझे लेना ही है बाइक। और कैसे होता है ये सब, जब हमारे दोस्त लोग बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो वो ज़्यादा फीलिंग आता है कि यार अपने को भी बाइक लेना है करके। और जॉब के टाइम पे भी मैं बहुत टाइम जॉबलेस हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ये होता था मेरे को, बहुत जन ने मतलब इवन मेरे पेरेंट्स ने भी बोले कि तू फील्ड चेंज कर दे, मर्चेंडरी छोड़ दे करके, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना मुझे पसंद नहीं है। एक ही जगह में आप बैठो 8-9 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करो, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने कभी होप नहीं छोड़ा कि इतने लोग ने मतलब मैं जॉबलेस था, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, मर्चेंट नहीं मिली। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब था कि मतलब मैसेज ये था कि लाइफ में कितना भी अप्स एंड डाउन्स हो, यू शुड नेवर गिव अप, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट फेलियर इज नॉट ऑलवेज द एंड, फेलियर इज वन स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। तो देखो ऐसा है कि जितने बार तुम हारोगे तुम उतना ही सीखोगे और उतना ही तुम स्ट्रांग बनोगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरे से नहीं हो रहा है, या इतना मैं कोशिश करने के बाद नहीं हो रहा है, अभी मैं छोड़ देना चाहिए मुझे, नहीं ये ऐसा मत सोचना कभी भी, बिकॉज उससे तुम्हारा ही मोरल डाउन होता है और तुम आगे फिर बढ़ नहीं पाते हो, कभी भी मतलब आगे बढ़ नहीं पाते हो। इसलिए कभी भी हार मत मानना दोस्तों, मतलब कोशिश करते रहना जब तक
सक्सेस नहीं मिलती है। तो ऑल यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए। दोस्तों आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब बाइकिंग सी फेरर। विल बी बैक विथ मोर वीडियोस एंड देन टेक केयर, बाइक सेफ, जय हिंद।